अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, हम चैनल पे आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज हमारे रवैल का दूसरा दिन है। अभी हम बिस्तर में हैं, रात को बड़े मज़े की नींद आई। ये देखिए गाइस, सुबह का नज़ारा हुंजा वैली का। यमुना जुराबे पहनने में बिजी है इस वक्त, और चेहरा देखो यार, कितना खिला खिला लग रहा है यमुना का। इससे अंदाजा कीजिए दोस्तों कि हमारे बच्चे जब जब हुंजा आते हैं ना, इतने खुश होते हैं। ये क्या ख्याल है अंजुम, ऐसा ही है ना? ये मजा आता है क्योंकि खेलते हैं यहाँ पर। हाँ, हुंजा वैली वैसे आके ना एक अजीब सी खुशी मिलती है। चलो बच्चों, मुँह हाथ धो लो। ये देखो यमुना बिल्कुल रेडी हो चुकी है। बता खेली, खेली बता खेली। ये अभी नाश्ता रेडी है, चलते हैं नीचे डाइनिंग रूम में। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? महबूब साहब ठीक ठाक हैं, खैरियत से। बड़ी जबरदस्त धूप निकली है आप लोगों के लिए। अर्जन खेलता है टेबल के साथ। चाय के साथ ये पराठे। इस दफा नाश्ते की जो पराठे हैं ना गाइस, वो वैसे नहीं है जो पिछले वीक हमने होटल में खाए थे। वो क्या मजे के पराठे थे। वरल ये भी अच्छे हैं, लेकिन उन पराठों की बात ही कुछ और थी। रात जो चिकन खाई ना, आउट क्लास मजे का था। और साथ जो रायता था ना, उससे भी ज्यादा मजेदार। थैंक यू महबूब, पता नहीं क्या टेक्निक आपने उसमें यूज की थी रायता बनाने में आपने। नाश्ता वाश्ता हो गया हमारा, अभी हम जा रहे हैं ऊपर होटल के छत पे। वाह जी वाह, क्या बात है गाइस, क्या बात है, इट्स ब्यूटीफुल। व्हाट अ ब्यूटीफुल व्यू ऑफ हुंजा वैली, स्पेशली द ऑटम सीजन। वाह वाह। आप हमारी किस्मत देखें कि आज सुबह से मौसम बिल्कुल क्लियर है, आसमान बिल्कुल नीला है, और साथ साथ ऑटम सीज़न हुंजा वैली में इस वक्त इतना खूबसूरत है। अभी मैंने आपको दिखाया हुंजा वैली का एक क्लियर व्यू ऑटम सीज़न का, और उसके साथ साथ यहाँ चारों तरफ जो बड़े बड़े पहाड़ हैं हुंजा नगर वैली के, वो भी इतने खूबसूरत हैं, खुसूसन यहाँ से राकापोशी क्लियर नज़र आती है, और सामने अल्तर पीक। इट्स अमेजिंग, इट्स ब्यूटीफुल। क्या बात है, यमुना भी आ गई छत पे। ऑटम सीजन कैसा है हुंजा वैली का? बहुत खुश है। यहाँ हुंजा वैली का ऑटम सीजन सिर्फ मुझे अच्छा नहीं लग रहा, हमारे बच्चों को भी बहुत ही अच्छा लग रहा है। अभी टाइम हो चुका है इस खूबसूरत कमरे को खुदा हाफिज कहने का। क्या बात है दोस्तों, एक आइडियल मौसम ऑटम के सीज़न में बना है आज के दिन। आजकल यहाँ हुंजा वैली में ना काफ़ी टूरिस्ट भी नज़र आए। अलजान वापस आते हैं ना आगे से, अभी टाइम है ना, थोड़ा सा घूम के वापस इधर से निकलेंगे। अरे अरे, रोड के ऊपर बिल्ली है। ये देखो यार, रोड के ऊपर बिल्ली, गाड़ी इसको मार देगी। चलो अलॉन्ग द कराकरम हाईवे जा रहे हैं। क्या आइडियल मौसम है। जिस विलेज में हम मौजूद हैं ना हुंजा वैली में, ये गणेश विलेज है, और इस गणेश विलेज के बिल्कुल ऊपर करीमाबाद, और करीमाबाद से ऊपर दुईकेर विलेज। आराम आराम से। अस्सलाम वालेकुम सर, खैर खैरियत सर? ठीक ठाक। मुर्तजा साहब जो कि इस होटल के ओनर हैं, तो आज मैं होटल से निकल के स्पेशली इनके पास आया हूँ। सर कैसे हैं? ठीक ठाक। पहले एक नज़र इस होटल के रूम पे डालते हैं, फिर मुर्तजा साहब के साथ बैठ के कप चाय पी लेते हैं। पुरसकून वैसे माहौल है यहाँ इस होटल में।
नींद आ रही है। चलो जी यमुना सो गई बस। अलजान देखो, अलजान भी कितना खुश है। अलजान तुम किधर आए हो? हुंजा वैली में हो ना इस वक्त? ये डबल रोटी खाओ, खाओ खाओ, मजे से खाओ। मजे की है ना डबल रोटी? हाँ, मुर्ज़ा साहब ने ना चाय के साथ फ्रेंच टोस्ट बनाए हैं, बड़े मजे के। खुसूसन यमुना अंजुम को बहुत अच्छे लग रहे हैं। चाय और फ्रेंच टोस्ट, सर आपने बड़ी जहमत की है। कोई मसला नहीं। मुर्तजा साहब जिनका ताल्लुक बेसिकली हुंजा वैली से है, गनीश से इनका ताल्लुक है। इन्होंने अपनी पूरी लाइफ हबीब बैंक में गुजारी है और इनके साथ मेरा 2007 से ताल्लुक है, जब मैं इस्लामाबाद में पढ़ता था। 2018 में इन्होंने नॉर्मल रिटायरमेंट ले ली, जो पेंशन इनको मिली उससे इन्होंने ये वाला होटल बनाया और माशाल्लाह से लोकेशन भी बहुत ही ज़बरदस्त है, रोड के बिल्कुल साथ में। मुर्तजा साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपकी मेहमान नवाजी का। थैंक यू सो मच। आसमान पूरा बादल से ढक चुका है, तो किसी भी वक्त बारिश हो सकती है। निकलते हैं अभी, हम जाएंगे यहाँ से अलियाबाद सिटी, वहाँ छोटे मोटे काम है वो करके वहाँ से डायरेक्ट हम गाड़ी लेंगे घर के लिए। खुश जान साहब हमें मिले रास्ते में, इन्होंने हमें पिक किया। वैसे तो इन्होंने रुकना था पीछे, लेकिन ये सिर्फ हमारे लिए, बच्चों के लिए हमें लेके आए हैं अलियाबाद सिटी। खुशजान साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आप सिर्फ और सिर्फ हमारे लिए अलियाबाद आए। आज के इस दौर में बहुत कम आप जैसे लोग हैं। पहले और लिबास में थे, अब अंजुम यमुना की ड्रेस बदल गई। अंजुम और यमुना की ड्रेस नहीं बदली है, अलियाबाद बाजार में हमने शॉपिंग की अंजुम के लिए, यमुना के लिए। अंजुम यमुना के लिए शॉपिंग तो की, लेकिन मेरी मतलब की जो चीज़ थी ना वो मुझे मिली नहीं रही। हालांकि अलियाबाद मार्केट काफ़ी बड़ी मार्केट है हर लिहाज से, लेकिन चीज़ मिली नहीं। मार्केट में घूमते घूमते काफ़ी टाइम लग गया, भूख लगी है हमें, तो अभी हम खाना खाते हैं। चलो चलो अंजुम, इधर आओ ना, इधर सामने आ जाओ, सामने आओ सामने। वैसे हमने खाने में ना एक नहारी और एक सब्जी मंगवाया था, हमें चावल और दाल एक्स्ट्रा में मिला है। ये तो बहुत कम ऐसे होटल हमने देखे हैं कि आप मंगवाते दो प्लेट हैं, आपको मिलती चार प्लेट। खाना हो गया, बड़ा ज़बरदस्त खाना आज खाया हमने इस होटल में। हालांकि हमने दो डिशेस ऑर्डर किया था, इन लोगों ने दो इजाफी डिशेस हमें दी। मेरे ख्याल में हुंजा वैली की डिवेलपमेंट में यहाँ लोगों की सोच विजन का बड़ा किरदार है, ये जाहिर से ही जज करते हैं। आप इन लोगों ने हमें जज किया सही से, हमारा कैमरा और हमारा बैग खुलिया देख के, और इतनी अच्छी हॉस्पिटैलिटी दिखाई। अभी वेटर से मैंने पूछा कि ये क्या रीज़न है, तो इन्होंने कहा कि सर आपका कैमरा, आपका हुलिया अच्छा है, तो इसलिए हमने आपकी अच्छी खातिरदारी की।